ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿਚੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦਲੀਆ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਸੀਂ ਹੈਵੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਈ ਲੋਕ। तो वैसे भी पंजाब दे विच यूथ के बाहर जाने नाल बजुर्ग कल्ले है, उन्होंने भी लोड़ है इहो जिहे हल्के खाने की, अवेलेबिलिटी मार्केट च है नहीं। तो इस करके मैं सोचा कि मैं ये शुरुआत करा, इनू असी सेल भी करिए तो जिहड़े हॉस्पिटल च आउटसाइडर आते हैं जिन्हां दे इत्थे कोई रिश्तेदार नहीं या नोन नहीं है, वो अपने जिहड़ा संबंधी आ हॉस्पिटल च दाखिल है उन्होंने कित्थों लैके प्रोवाइड करा। तो मैं उन्हां लई सोचा कि चलो उन्होंने असी बिना किसी कोस्ट तो अवेलेबल कराइए। कृपा करने लिए मेरा मनना है कि कितें जाण दी जरूरत नहीं पैंदी, देश काल परिस्थिति मुताबक जिस काम नूं करन दी जरूरत महसूस हुंदी है उही सेवा हुंदी है। सेवा लई तत्पर रहना जरूरी है, सेवा करना भी उन्ना जरूरी नहीं जिन्ना कि उहदे लई तत्पर रहना जरूरी है। तुहानूं मौके मिल ही जांदे आ, ते इदां इह वी मैनूं मैं मौके दी तरह लिया कि मैनूं जे मौका मिलिया आ, समझ आई आ, कोई थोट आया नेचर वालों तो मैं इन्हूं जरूर करा, इन्हूं इग्नोर नहीं करा। इसलिए तो इत्थे कोई भी आएगा जिहड़ा नीडी है मैं उन्होंने देने तैयार हाँ, पर मेरे जिहड़ा टारगेट विच हैगा भी हर हॉस्पिटल च खाना अवेलेबल नहीं हुंदा, हर हॉस्पिटल च खिचड़ी अवेलेबल नहीं हुंदी, इदां दा मतलब कुछ दलिया अवेलेबल नहीं हुंदा। तो मेरे लिए तो जिहड़ा इत्थे हैगा सारिआं दा स्वागत ही करांगा। मैं तो जिन्नी देर रेस्टोरेंट खुला सवेरे 8:30 तो लैके रात के 11 बजे तक, साड़ी कोशिश है फुल टाइम अवेलेबल रहे ताकि वो सोचना ही ना पवे जो मर्जी आओ तो लै जाओ। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो द एयर टीवी ते मैं हाँ मनप्रीत कौर। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਢਾਬਾ ਆਰ.ਕੇ. ਢਾਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕੀ ਸੇਵਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਦਲੀਆ ਖਿਚੜਾ ਹੀ ਯੂਜਲੀ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਆਰ.ਕੇ. ਢਾਬੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਈ ਨੀਡੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਆ ਤੇ ਖਿਚੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਆਰ.ਕੇ. ਢਾਬੇ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਰਮਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। हाँ जी नमस्कार जी। तो सर मैंने लगता कि बड़ा चंगा उपराला तुसीं कीता, जिवें मैं दस्सिया कि दलिया एंड खिचड़ी की सेवा तुसीं हुण लै रहे हो, है ना, मतलब किवें मन च ख्याल आया, की सोच के तुसीं इस सेवा नूं जिहड़ा स्टार्ट कीता? इदां सीगा कि कस्टमर हॉस्पिटल तो आंदे सी परेशान या कुछ आके खिचड़ी मंगदे सी, साडे को खिचड़ी अवेलेबल ही नहीं सी, मतलब पैसे ना भी अवेलेबल नहीं हुंदी सी, जे किते होर भी कस्टमर इधर उधर घुमदा सी ते उहनूं मिलदी नहीं सी। फिर असीं उहनूं दाल या चावल मिक्स करके देना भी तो भी वो सैटिस्फैक्शन नहीं आंदी सी। फिर मैं सोचा कि क्यों ना इनू शुरू की करिए, क्योंकि वैसे भी बहुत सारी डिमांड्स बजुर्गों की आती सी, सानू खिचड़ी चाहिए दलिया चाहिए, असी हैवी खाना खा ही नहीं सकते कई लोग। तो वैसे भी पंजाब दे विच यूथ के बाहर जाने नाल बजुर्ग कल्ले है, उन्होंने भी लोड़ है इहो जिहे हल्के खाने की, अवेलेबिलिटी मार्केट च है नहीं। तो इस करके मैं सोचा कि मैं ये शुरुआत करा, इनू असी सेल भी करिए तो जिहड़े हॉस्पिटल च आउटसाइडर आते हैं जिन्हां दे इत्थे कोई रिश्तेदार नहीं या नोन नहीं है, वो अपने जिहड़ा संबंधी आ हॉस्पिटल च दाखिल है उन्होंने कित्थों लैके प्रोवाइड करान। तो मैं उन्हां लई सोचा कि चलो उन्होंने असी बिना किसी कोस्ट तो अवेलेबल कराइए। सर सब तो जरूरी ये होंगे जो आप कोई चीज़ नवी स्टार्ट करते हैं, खासकर सेवा की गल कर लीए तो प्रमोट करना बड़ा जरूरी है, प्रमोशन बड़ी जरूरी है। तो किमें फिर लोगों तक तुसी इस मैसेज नूं किवें जिहड़ा पहुँचा रहे हो, कन्वे किवें कर रहे हो लोग? हजे तक मेरे को जो साधन है कि उहदे च मैं फेसबुक ते अपनी पा रहा पोस्ट लगातार मैसेज के थ्रू, या व्हाट्सएप ते फलोड कर रहा, या तीसरा मैं अपने रेस्टोरेंट ढाबे के अंदर भी बहुत सारे पोस्टर लगाए हैं। तो हौली हौली आ रहा रिस्पॉन्स, पर हजे तक तो एप्रीसीएशन वाले लोग ज़्यादा आए हैं। तो हजे तक लोग जोड़े भी आ रहे एक्चुअली पैसे दे के ही ले जा रहे बहुते लोग, तो बिना कोस्ट तो हजे तक किसी ने इच्छा भी नहीं की, उन्होंने ले ही नहीं साढ़े तो खिचड़ी, कोई होएगा एक अद्धा जो लै गया होएगा, अदरवाइज लोगों ने यही कि अवेलेबल होया इन्ना ही बहुत वधिया आया। तो लगता कि कितने हजे अप्रोच चंगी तरह लोगों तक पहुँच नहीं रही, जो तो पहुँचेगी तो लोग जरूर थोड़े ना जुड़े। मैनू ये पिछे ये कारण लगता कि जो नीडी है जो हॉस्पिटल है वो तक जो मैसेज जाना जरूरी है, पर हो सकता उन्होंने किसी के हित आड़े आते हो, जिदा हॉस्पिटल च कंटीन वाला आ उन्होंने ओबजैक्शन हो सकता हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन नाल, तो इदां दी चीज़ां हो सकता वो प्रमोशन च रुकावट आवे, लेकिन एक समय लगेगा कि उस सब तक मैसेज पहुँच जाएगा। असी पर जिस दिन का मैसेज पाया असी रैगूलर उन्होंने अवेलेबल रखे ही होया, तो अवेलेबल है। मैं तो सारे कहांगा जे तुहाडा कोई नोन विच जां तुहाडी जानकारी च कोई इदां दा केस आंदा है जिथे जरूरत है, जो मर्जी मेरे इत्थे आके रेस्टोरेंट तो तुसीं पिक करके पहुँचा सकते। ईवन कोई घर जो बजुर्ग कल्ले आ उन्होंने भी जो कोई पहुँचाने की सेवा करना चाहता तो भी लिजा के कर सकता है। एज ए वॉलंटियर थोड़े नाल ही जुड़ के सेवा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सब का स्वागत रहेगा जी सेवा भावना लाएंगे जी। तो सर ये बड़ा मतलब बहुत वड्डी गल है कि तुसी एक नामी रेस्टोरेंट जिहड़ा उन्होंने ऑन कर रहे हो, चला रहे हो, एंड उहदे नाल नाल एक सेवा वास्ते भी टाइम कड्ढना टाइम मिल जाता तुहानूं, क्योंकि बिजी शेड्यूल बथेरा रहिंदा होएगा तुहाडा। सेवा करने लिए मेरा मानना है कि कितने जाने की जरूरत नहीं पैंदी। देश काल परिस्थिति मुताबिक जिस काम नूं करन दी जरूरत महसूस होंदी है वही सेवा होंदी है। तो सेवा लिए तत्पर रहना जरूरी है, और सेवा करना भी उन्ना जरूरी नहीं जिन्ना कि उसदे तत्पर रहना जरूरी है। तुहानूं मौके मिल ही जाते हैं, तो इदां यह भी मैनूं मैं मौके की तरह लिया कि मैनूं जे मौका मिलिया आ, समझ आई आ, कोई थॉट आया नेचर वालों तो मैं इन्हूं जरूर करां, इन्हूं इग्नोर नहीं करां। ऑलमोस्ट जलंधर के हर हॉस्पिटल के मरीजों के लिए है या फिर कुछ स्पैसीफिक हॉस्पिटल ने जिन्होंने तुम टारगेट कर रहे हो, सोच रहे हो कि इस हॉस्पिटल के कुछ नीड ही आएंगे तो इन्हों वास्ते मतलब ज़्यादा रहेगा? मेरे लिए तो इतने कोई भी आएगा जो नीडी है मैं उन्होंने देने लिए तैयार हाँ, पर मेरे जो टारगेट है भी हर हॉस्पिटल च खाना अवेलेबल नहीं होंदा, हर हॉस्पिटल च खिचड़ी अवेलेबल नहीं होंदी, इदां दा मतलब कुछ दलिया अवेलेबल नहीं होंदा। तो मेरे लिए तो जो इतना है सारे का स्वागत ही करांगा। मैं तो हॉस्पिटल्स ने टाइप कर रहे हो इस चीज़ के लिए, उन्होंने नाल गलबात करने की कोई कोशिश की है कि मतलब हॉस्पिटल ही कई बार स्टाफ जोड़ा उ दस दिता कि भी थोड़ा फ्री इतने मिल सकता है, तुम उतों जाके लै सकते। हजे अपने एंड तो इतने कोई स्पैशल कोई जाके किसी ने अजे तक गलबात की नहीं है, पर मैं लगता कि जिदा तुम इस मैसेज को पहुँचाने की मंशा ना इतने आए हो तो काफ़ी लोगों तक पहुँचेगा, तो लोग अगे तो अगे मैसेज देंगे। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन अल्टीमेटली ये गल अपनी जगह पाएगी। बजुर्गों च हजे तक किसी के घर गया थोड़ा ऑर्डर या हजे नहीं या इनू हजे स्टार्ट ही किया? जस्ट स्टार्ट किते नूं एक हफ्ता होया, पर इहदी सेल नूं अच्छा रिस्पॉन्स मिलिया आ। मतलब जे फ्री ऑफ कोस्ट की बहुत ही किसी ने इच्छा नहीं की, अवेलेबिलिटी लिए थैंकफुल ने और ले जा रहे हैं जिदा असी मतलब ये आइटम है नहीं किते। तो साडा जिहड़ा नैशनल फूड है ही खिचड़ी है। ऑफ कैमरा भी आप गल कर रहे थे कि कई बार इदा होंगे कि मरीज़ के लिए एक्सट्रा खाना भी कई बार घर च नहीं बनता है ना, तो ये भी एक वड्डी दिक्कत जी आ जाती लोगों को। देखो जो कोई बंदा पेशेंट होंदा है तो मैं चलो कहना नहीं चाहिए, पर समाज की इस समय दुर्दशा हो चुकी है कि उहदे लई उहदी वैल्यू के हिसाब नाल उहदे लई अलग खाना बनेगा। जो उस बंदे दी घर च वैल्यू नहीं हैगी नहीं तो शायद उहदे लई अलग तो कोई नहीं कुक करेगा खाना, उहदे लई उहनूं उही खाना खाना पेगा जो बाकियां लई बनिया। जैसे टाइमिंग्स की रहंदे ने, किसी टाइम ते भी आके लेके जा सकते हैं या फिर कोई स्पैसिफिक टाइम है जिस टाइम के उत्ते अवेलेबिलिटी होएगी खिचड़ी एंड दलिया? जिन्नी देर रेस्टोरेंट खुला सवेरे 8:30 तो लैके रात के 11 बजे तक साड़ी कोशिश है फुल टाइम अवेलेबल रहे, ताकि वो सोचना ही ना पवे जो मर्जी आओ तो लै जाओ। तो मैं चाहांगी एक बार दर्शकों को कोई नंबर या फिर कुछ फेसबुक लिंक्स या कुछ इहो जिहा भी शेयर कर दो ताकि जिन्हें भी दर्शक ने देख रहे हैं वो अप्रोच कर सकन एंड जिहड़े नीडी ने स्पैशली उन्होंने वाकई हैल्प हो सके। साडा फेसबुक ते पेज है RK वैष्णो ढाबा, तो जिसमें मतलब RKAY वैष्णो ढाबा करके पेज है, वहाँ पर रेगुलर इन्फॉर्मेशन साढ़े वालों मतलब पाई जाती है। बाकी मेरा अपना नंबर है, मैं उसके लिए भी रेडी है, मैं अपना ही नंबर पाया सारे मैसेज में। हालांकि असी रेस्टोरेंट लिए भी अपना नंबर प्रेफर नहीं करते, पर मैं सोचा कि इस काम लिए किसी को कोई दिक्कत ना आए, इस करके मैं अपना नंबर दे रहा। जोड़ा मेरा नंबर है 9814442100, रिपीट करदा 9814442100। सो बिल्कुल ये सन RK ढाबे तो मिस्टर रमन जिन्होंने गलबात की है। तो जिथे मैं पहला भी दसिया कि एक नामी रेस्टोरेंट एक ढाबे नूं चला रहे हैं, उत्थे ही सेवा भावना दे नाल इन्हां दे वल्लों कुछ चंगा करन दी कोशिश भी जिहड़ी है कीती जा रही है। तो इस वीडियो नूं जिन्ने भी लोग देख रहे हैं उन्होंने वध तों वध शेयर करो। तो सर एक लास्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि ये कल्ले जलंधर विच है कि जल्दी उन्होंने पैन पंजाब भी ले जाओगे? हजे तो जलंधर से यही लोकेशन है, पर हुण जल्दी ही आने वाले 2 या 2.5 महीने तक असी जलंधर हाइट 66 फुटी रोड पर अपना एक पैकिंग काउंटर खोलन जा रहे हैं। जी, और बाकी समय दिन आगे अगली जनरेशन देखेगी कितने तक लेके जाना। ये भी सवाल बड़ा जरूरी सी। फिलहाल जलंधर के लोगों के लिए ये बड़ा चंगा काम है जिहड़ा इन्हां दे वल्लों कीता जा रहा है, तो इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर करो ताकि जिन्ने भी लोग नीडी ने, वाकई लोड़वंद जिहड़े लोग ने, वो फ्री दे विच दलिया अते खिचड़ी इत्थों दी ऑर्डर कर सकन ते वो भी अपना जो टाइम है, जो औखा टाइम उन्हां तों त्याया होया, उसनूं आसानी दे नाल कट सकन, क्योंकि खाना सब दे लई जरूरी है। एक एडा वड्डा रेस्टोरेंट चलाना, उहदे नाल सेवा करना, ये भी बहुत औखी गल है। बाकी इन्हां दी निष्काम सेवा थानू किवें लगा, थानू आइडिया इस दे बारे भी सानू जिहड़ी है कमेंट्स दे विच जरूर लिखना। कैमरा पर्सन नाजर नाल मनप्रीत कौर, नायर टीवी, जलंधर।